हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस लंदन ने एक अपील को रिजेक्ट कर दिया और ये अपील किया गया था मोदी द्वारा। लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, ये है नीरव मोदी, मतलब इंडिया के लोगों के पैसा लेकर जो लंदन भाग गया। असल में नीरव मोदी एक हीरे के व्यापारी है और नीरव मोदी के खिलाफ ये आरोप है कि नीरव मोदी ने भारत के सेकेंड लार्जेस्ट बैंक मतलब पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर लंदन भाग गया। इसीलिए वेस्टमिंस्टर कोर्ट लंदन ने नीरव मोदी को भारत में एक्सट्रेडिशन करने का ऑर्डर दिया था। सो वीडियो की एक्सट्रेडिशन क्या है? एक्सट्रेडिशन एक तरह का लीगल प्रोसेस है जिसके मुताबिक एक आदमी को एक देश से अलग देश भेजा जाता है विदाउट हिज कंसेंट, और ये मेनली क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है, वो क्रिमिनल्स जो एक देश में क्राइम करके अलग देश भाग जाता है, और नीरव मोदी भी एक क्रिमिनल ही है। सो वीडियो, अगर आप जानना चाहते हो कि नीरव मोदी ने क्या कांड किया था और क्यों नीरव मोदी के इस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया था हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा, तो इस वीडियो का अंत तक देखिए, फिर मैं गैलरी से जरूर मजा आएगा। सो वीडियो, असल में नीरव मोदी एक डायमंड का व्यापारी था, उसके साथ साथ वो डायमंड को डिजाइन भी करता था। नीरव मोदी भारत का एक ऐसा लौटा डायमंड का व्यापारी था जिसका रिकॉग्निशन सिर्फ इंडिया में नहीं था और बाहर के देशों में भी उसके डिजाइन्स, उसके वर्क को बहुत ही पसंद किया जाता था। लेकिन अब बात आता है कि पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी कैसे घोटाला कर दिया। असल में पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी पहले भी बहुत ट्रांजेक्शन किए थे और इस ट्रांजेक्शन के चक्कर में पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच मुंबई, असल में पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, और इसी बैंक में जब ट्रांजेक्शन अच्छी तरह से करने लगे तो वहाँ के जो मैनेजर्स उसके साथ साथ उसके ऑफिशियल के साथ उसने एक अच्छा रिलेशन कर लिया था। इसी चक्कर में मोदी ने बैंक ऑफिशियल्स, बैंक मैनेजर सबके साथ अच्छे रिलेशन कर सबको पटा के ले लिया LUT मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। और बिल्डो के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को लेके ही सारा घपला है। सो बिल्डो के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है क्या? बिल्डो LUT मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मेनली दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को, और इस लेटर के द्वारा वो किसी भी देश में एक्सपोर्ट कर सकता है गुड एंड सर्विस विदाउट पेइंग टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। और यही पर ही नीरव मोदी ने किया था घपला, क्योंकि जो ये LUT दिया जाता है उसका टैक्स लिया जाता है, लेकिन वो एक साथ लिया जाता है। लेकिन नीरव मोदी ने वो टैक्स ना देकर उसके साथ साथ बहुत सारे लोग को लोन में लेकर इंडिया से भाग गया। तो नीरव मोदी भागने के बाद इंडिया में एक बवाल समझ गया था, लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे, इसके साथ साथ पॉलिटिकल लीडर्स भी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने लगे। मगर मोदी जी ये देश को नहीं बता सकते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए जो नीरव मोदी जी ने जनता का पैसा छीन कर लिया है। मीडिया में भी ये बात बहुत दिन से रहा, बहुत सवाल उठाए गए। लेकिन असल में नुकसान किसका हुआ? असल में नुकसान हुआ हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का, जो दिन भर मेहनत कर 500 से 600 रुपए कमाता है और अपना फ्यूचर एज वेल एज अपने बच्चे को फ्यूचर को अच्छा करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके बैंक में पैसा जमा करते हैं, और नीरव मोदी जैसे लोग इसी पैसा को लेकर चला जाता है लंदन, और लंदन में जाकर भी खुलेआम लंदन के खुलेआम स्ट्रीट में घूमता है। उसके साथ साथ विजय माल्या जैसे लोग इंडिया के मैच देखने के लिए स्टेडियम भी जाते हैं। तो आप देख सकते हो इस देश का कंडीशन कैसा है। तो वे लोग, जब भी आप कुछ अमाउंट अर्न करते हो और अगर आप वो पैसा अपने घर में रखते हो तो आपको डर रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल चोरी का, उसके बाद इनकम टैक्स का, कि मतलब घर में पैसा रखना तो सेफ नहीं है। तो उसके दिमाग में पहला बात आता है बैंक का, क्योंकि इंडिया में हर आदमी को ये बिलीव है कि वो बैंक में अगर पैसा रखेगा तो उसका पैसा सिक्योर होगा। तो यही नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को अगर बैंक करोड़ों रुपए लोन में देता है और बाद में अगर वो लोन में रिपे नहीं करके लंदन जैसे देश में चले जाते हैं, तो ये नुकसान किसका हुआ? ये नुकसान हुआ हम जैसे आम आदमी का। इसके चलते एक ऐसा भी देना सकता है कि लोग बैंक के ऊपर और भरोसा ही ना करें, आ सकते हैं ऐसे। सो वे लोग, अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो पहले के जमाने में लोग मंदिरों में अपना पैसा रखता था,
क्योंकि ये लोगों का यह भरोसा था कि मंदिरों में अगर पैसा रखेगा तो उसके पैसे के साथ कुछ नहीं होगा। तो इसी का फायदा उठाते हुए मोहम्मद गजनी अलाउद्दीन खिलजी मंदिरों पे अटैक करता था, क्योंकि वहां से मिलने वाला है उन लोगों को भर भर के पैसा। तो ये नीरव मोदी विजय माल्या खिलजी गजनी से कम नहीं है, वो भी तो यही कर रहा है। लोगों का भरोसा जिसमें है मतलब बैंक, उससे पैसा लेकर बाहर देश में भाग रहे, और गवर्नमेंट भी कह रहा है कि हमने उसका 5,000 करोड़ का प्रॉपर्टी जब्त कर लिया। प्रूफ कहाँ है? अभी तक प्रूफ नहीं मिला हम लोगों को। सो वे लोग, इस केस में नीरव मोदी को अपील करने का परमिशन दो रीजन के वजह से मिला। एक है आर्टिकल 3 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो इस केस में नीरव मोदी के काउंसिल का ये कहना था कि नीरव मोदी 51 ईयर्स का एक आदमी है और वो बहुत दिन से मेंटल ट्रॉमा में गुजर रहे हैं। अगर उसके बात को कोर्ट ने नहीं सुना तो उसके साथ अनजस्ट अनफेयर होगा। इसके साथ साथ सेक्शन 91 ऑफ एक्सटेडिशन एक्ट 2013 के मुताबिक ये भी कहा गया है, अगर एक आदमी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है तो उसको एक्सटेडिशन के पहले एक बार कोर्ट में सुनने का राइट है। असल में इस केस में मोदी के खिलाफ जो जो चार्जेस था वो था कंस्पिरेसी टू डिफॉल्ट मनी लेंडरिंग। उसके साथ साथ उसके खिलाफ और एक चार्जेस था, वो था उसके खुद के डायरेक्टर मतलब उस कंपनी के खुद के डायरेक्टर को उसको जान से मारने का धमकी देने का भी चार्जेस था। तो ये पंजाब नेशनल बैंक के कांड के बाद उसके खिलाफ दो केस स्टार्ट हुआ। एक केस को लीड कर रहा था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब CBI, एक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मतलब ED, ये दोनों मिलकर उसके खिलाफ केस स्टार्ट किया था। हाउएवर मोदी जब इंडिया से लंदन भागकर चला गया था तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार 27 जुलाई 2018 को वेस्टमिंस्टर कोर्ट लंदन में नीरव मोदी का इंडिया में एक्सट्रेडिशन करवाने का प्रयास किया था। मार्च 2019 को नीरव मोदी को अरेस्ट कर लिया गया। फरवरी 2021 ने वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी को भारत में भेजने का मतलब भारत में एक्सट्रेडिशन करवाने का ऑर्डर दिया था। तो इस अपील को सुनने के बाद हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस लंदन का ये कहना था कि ये जो काउंसिल मतलब मोदी की तरफ से जो काउंसिल है वो एक ग्राउंड दे रहा है, वो है मेंटल ट्रॉमा मतलब वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है और वो सुइसाइड भी कर सकता है। एक तरह से मिसलीड किया गया है कोर्ट को उसके अपील को ग्रांट करने में। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस लंदन ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया है। सो लोग, आपको क्या लगता है, क्या नीरव मोदी को जल्द से जल्द इंडिया लाना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइए। और इस वीडियो में लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।